युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यथा योग्य कर्मों की चेष्टा कीजिए। पहले सोचिए मैं क्या हूं और मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या कर्म करना चाहिए। और कर्म चाहे जब कीजिए, ध्यान लगाइए उन महान पुरुषों का जो तुम्हारे किस्मत को बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। एक किसान गांव के किनारे खेत में झोपड़ी डालकर रहता था। उसके पास में बहुत बड़ा खेत भी था। लेकिन खेत में वो खेती नहीं करता था, खेत खाली पड़ा रहता था। उसने एक बहुत अच्छी भैंस पाला था और उसकी भैंस 15 लीटर दूध देती थी। उसी भैंस के दूध से सारा काम चलाता था। लेकिन वो संतों का बहुत प्रेमी था, संतों से प्रेम करता था। आज बहुत से लोग हमारे भंडार में दूध लेकर आए थे, एक एक कमंडल में 4-5 लोग लाए। बोले मेरी दूध की सेवा स्वीकार कीजिए। मैंने कहा भंडार में दे दीजिए दूध, बहुत अच्छा दूध था। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ में उस किसान की झोपड़ी पर जाता है और रात रुकता है। और महात्मा ने उस किसान से पूछा, एक किसान देवता, तुम अपने परिवार को पालने के लिए काम क्या करते हो? उसने कहा मेरे पास में एक भैंस है और भैंस इतना दूध देती है कि उस भैंस से ही पूरा परिवार पल जाता है, इसलिए मैं दूसरा कोई काम नहीं करता। तो साधु ने पूछा ये खेत किसका है सर? बोलिए खेत तो मेरा ही है 10-12 एकड़ का, पर मैं खेती करता नहीं, ये पड़ा रहता। हम संतुष्ट हैं एक भैंस में, उससे हमारा घर चल जाता है। और महात्मा को भी दूध पिलाया। गुरु शिष्य दोनों थे, दोनों ने एक एक गिलास शाम को दूध पिया और महात्मा सो गया, उसका चेला भी सो गया। रात में 3 बजे के करीब वो साधु जागता है और अपने चेले को जगाता है और चेले से कहता है, शिष्य आज तक मैंने तुझको बहुत सी आज्ञा दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आज एक ऐसी आज्ञा दे रहा हूं कुछ बुरा भी हो सकता है। उठ और इस किसान की भैंस को तू चोरी कर। वो गुरु के मन में ऐसी बात आ गई कि इसकी भैंस को चोरी करो, आप चोरी करने को कह रहे हैं, ये तो बहुत दुखदाई बात है, ऐसा पाप मुझसे मत कराओ, मैं ऐसा तो करूंगा नहीं। गुरु ने कहा कि शिष्य वही है जो आज्ञा का पालन करे, तू कर, आगे की मत सोच। बड़ी विचित्र बात हो गई। शिष्य ने मजबूर होकर आज्ञा माना और 3 बजे रात को भैंस को खोल लिया और गुरु शिष्य भैंस को चोरी करके चले गए। तुम ये मत डरना कि ये भी ऐसे गुरु आए भैंस चुरा ले जाए, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। वो किसान जब सवेरे उठता है, देखता है कि द्वार पर भैंस नहीं। किसान का मन बड़ा दुखी होता है। फिर कमरे में जाकर देखता है कि वो दोनों साधु भी नहीं है, गुरु चेला भी गायब है।
थोड़ा संदेह हुआ कि शायद वही लोग भैंस ले गए होंगे, लेकिन श्रद्धा ज्यादा थी तो मन में सोचा कि संत ऐसा नहीं कर सकता। दिन भर तो दुखी रहा वो किसान, पूरे घर की माताएं बहनें भी दुखी रहीं, चिंतित रहीं कि भैंस चली गई, अब रोजी रोटी खत्म हो गई, अब क्या करें। पास में जंगल था, जंगल की लकड़ी तोड़कर, गठरी बांधकर, बाजार में बेचकर पैसे कमाकर परिवार की रोटी धोती का इंतजाम करने लगा। 15 दिन ऐसे वैसे परिवार को पाला पोसा, लेकिन लकड़ी बेचने से भी उसका घर व्यवस्थित नहीं चल पाया। तो फिर किसी दूसरे के यहाँ जाकर मजदूरी किया, लेकिन मजदूरी इतनी नहीं मिली जितना कि घर में जरूरत थी, तो मजदूरी छोड़ दिया। तो मजबूर हो करके जो उसका खेत पड़ा हुआ था 10-12 एकड़, उसमें खेती शुरू किया। बहुत दिनों से पड़ा हुआ खेत, उसमें फसल बोया तो फसल इतनी अच्छी आई कि 150-200 क्विंटल गेहूं हुआ। उसी गेहूं को बेच करके उसने 4 भैंस खरीदा और फिर खेती भी शुरू कर दिया। खेती से फायदा हुआ उसे, बंगला बना दिया, मकान अच्छा बना दिया, कार लाकर खड़ी कर दिया, सब ठीक ठाक व्यवस्था हो गई। 10 वर्ष के बाद वही दोनों गुरु शिष्य उसी रास्ते से फिर निकलते हैं और गुरु शिष्य से कहता है कि उसी किसान के घर चलना है और उसी के यहाँ रात सोना है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव पहले तो भैंस चोरी करके हम लोग निकल आए थे, अब अगर जाएंगे तो फिर किसान डंडे से सेवा करेगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं। गुरु ने कहा कि वहीं जाना है और उसी के यहां रहना है। तो वहां जब पहुंचे तो वहां सब बदला हुआ नजर आया, वहां का नक्शा चेंज था। जहां झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां अच्छा सा 2 मंजिल महल बना हुआ है, और जहां साइकिल खड़ी थी वहां कार खड़ी हुई है, जहां 1 भैंस बंधी थी वहां पास में 4 भैंस बंधी हुई है, और घर की महिलाएं जो साधारण धोती पहने थी अब चमकदार धोती सब पहने। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसके घर हमने चोरी किया और इतना ही उन्नति कैसे हुई। बोले, तो चुप रहे, चोरी का नाम ना ले, नहीं तो पकड़ में आ जाए। जब उस किसान ने उस गुरु और शिष्य को देखा तो उसको याद आ गया कि 10 साल पहले यही लोग आए थे और उसी रात में 3 बजे भैंस चोरी हो गई थी। तो उस किसान ने पैर छुए गुरु के, कहा, आशीर्वाद दीजिए महाराज, जिस रात आप आए थे उसी रात हमारे घर में दुर्घटना हुई और मेरी भैंस कोई चोरी ले गया था, लेकिन आपका दर्शन फिर से मिल गया, बहुत भाग्यशाली हूं मैं। अब वो गुरु मुस्करा रहा है और शिष्य भी मुस्करा रहा है कि भैंस चोरी तो हम ही लोगों ने किया था, चोट्टा लोग खड़े हैं, चरण भी छुए जा रहे थे। रात में जब गुरु बैठा तो उस गुरु ने उस किसान को बुलाया और बुला करके कहा कि चिंता ना करना, दुखी ना होना, और 10,000 रुपये निकाल कर अपने कमंडल से दिया कि ये पकड़ो, ये तुम्हारे भैंस का पेमेंट है, भैंस चोरी कोई और नहीं ले गया था, भैंस हम ही चोरी ले गए थे, ये पैसे पकड़ो। तो बोले, इस गुरु जी आप इतने महान होकर भैंस कैसे चोरी किया आपने। बोले, मैंने इसलिए भैंस चोरी किया था क्योंकि तुम भैंस में फंस गए थे और एक भैंस से ही तुम अपना सब काम चला रहे थे,
ये 12 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने भैंस चोरी किया था ताकि तुम खेती करना शुरू करो और ये झोपड़ी की जगह पर महल बन जाए और साइकिल की जगह पर कार खड़ी हो जाए। तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदलने के लिए मैंने चोरी कर लिया था। मैं चोर नहीं हूं, वो भैंस का पैसा देने आया हूं। और आज इसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन ऐसी उन्नति कैसे हुई? तो किसान ने कहा, जिस रोज से भैंस चोरी कर चली गई उसी दिन मैं बहुत दुखी हुआ और जंगल से लकड़ी काट कर गठरी बांध कर बाजार में बेचा। 15 दिन उससे परिवार पाला, लेकिन सेटिंग कुछ नहीं बैठी तो खेती करना शुरू किया, मजदूरी किया और खेती से इतना प्रॉफिट हुआ, 150-200 क्विंटल गेहूं हुआ जिससे 4 भैंस खरीदा। अब मैं खेती भी ठीक से कर रहा हूँ और भैंस भी पाल रहा हूँ और खेती में थोड़ा फूलों की खेती कर रहा हूँ, तो मैं साल में 20 लाख की बचत कर लेता हूँ। अब मेरा बंगला भी बन गया है और कार भी आ गई है और अब दक्षिणा भी आपको मैं ज्यादा दे सकता हूं। गुरु ने कहा, इसीलिए तुम्हारा नक्शा बदलने के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम भैंस में अर्जे हुए पड़े हुए थे, फंसे पड़े थे, इसलिए मैंने भैंस को यहां से निकाला था ताकि तुम उससे कुछ बड़ा कर सको, अच्छा कर सको और आगे बढ़ सको, इसलिए भैंस को हटाने में मदद किया। ऐसे जिंदगी में तुम भी अपने पीछे झांक कर देखना, कहीं तुम भी किसी ऐसे छोटे से काम में फंसे तो नहीं पड़े हो। ये धीरू भाई अंबानी गुजरात का रहने वाला था, शायद इसके गांव का नाम चोरवाड़ा था। सौराष्ट्र में इसका गांव है, धीरू मुकेश अंबानी का पिताजी। और धीरू अंबानी बचपन में मंदिर के सामने बैठ करके एक बड़ी परात में चना मुरमुरा बेचता रहता था, थोड़ा नमक रख करके चने बेचता था। और आज वो धीरू भाई अंबानी और उसका बेटा भारत देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनकर बैठा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपनी सामर्थ्य को भी समझना, अपनी शक्तियों का आकलन करना, तुम क्या कर सकते हो इसको भी समझना। एक पटवारी नौकरी कर रहा है पटवारी की, और एग्जाम दे रहा है एसडीएम तहसीलदार बनने का, उसकी पत्नी भी उसको मदद कर रही है। और एक दिन एग्जाम फाइनल करता है और तहसीलदार बनकर बैठता है, फिर एसडीएम बनता है और प्रमोशन में वो कलेक्टर बनकर आता है। तो उससे पूछा गया कि पटवारी से कलेक्टर कैसे बने, तो उसने कहा कि पटवारी तो मैं था लेकिन मैंने आगे बढ़ने का प्रयास बंद ही नहीं किया, इसलिए मैं पटवारी से आज कलेक्टर बनकर बैठा हूँ। तुमसे भी मेरा यही कहना है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, उन्नति का प्रयास कीजिए, विकास का प्रयास कीजिए और संकल्प लीजिए कि धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा। और इससे भी बड़ा सत्संग कराऊंगा, ये भी संकल्प लो। ये सत्संग तो ऐसा हो गया, यहां बैठने की जगह नहीं रही, अब बड़ी जगह में सत्संग होगा। अगला जो होगा वो खतरनाक सत्संग होगा। 2 एकड़ जमीन चाहिए, मक्का मदीना हटाना पड़ेगा। और इतना प्रेम उमड़ा है माताओं बहनों का भी, पुरुष बंधुओं का भी बहुत प्रेम है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जिसके पास में सहनशीलता नहीं है वो प्रेम के धागे को तोड़ देता है। और आलसी के साथ में प्रेम भी खंड खंड हो जाता है। प्रेम अच्छे अच्छे गुणों को मांगता है और प्रेम बहुत कोमल होता है। और जिसको प्रेम नहीं मिलता है वो दुखी रहता है। आपके घर में बूढ़े सास ससुर हैं, वे भी प्रेम के भूखे रहते हैं।
वे चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी पतोहू मुझसे प्रेम करे और मुझे ख्याल करे और मेरे को कोई दुख न दे। परंतु ये याद रखना, प्रेम करने वालों को ही प्रेम मिलता है। जो प्रेम दूसरों से करते हैं उन्हीं को प्रेम मिलता है, और खुद जिनके पास प्रेम नहीं है उनको दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं मिलता है। इसलिए जिनसे तुम प्रेम चाहते हो उनसे तुम पहले प्रेम करो, फिर वह बाद को तुमसे भी प्रेम करना शुरू करेंगे। जिनसे तुम सहायता चाहते हो, मदद चाहते हो, पहले तुम उनकी मदद करो, फिर बाद को वे तुम्हारी भी मदद करेंगे। अगर तुम खेत से गेहूं चाहते हो तो पहले खेत में गेहूं आप बोइए, तब खेत तुमको गेहूं वापस लौटा देता है, और खेत में मक्का बोइए तो मक्का वापस लौटा देता है। लेकिन तुम गेहूं चाहते हो और मक्का बोते हो तो खेत गेहूं नहीं लौटाएगा, फिर मक्का ही लौटाएगा जो बोगे। इसी प्रकार से जब प्रेम तुम पहले करोगे तब तुम्हें वापसी में प्रेम बहुत डबल मिलेगा। इसलिए खुद सबसे प्रेम करना चाहिए और गम भी खा लेना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ पढ़ करके कोई पंडित नहीं बन सका। कबीर साहब कहते हैं जो ढाई अक्षर प्रेम के जानता है और प्रेम से जीता है और प्रेम का अर्थ होता है कि अनुशासन में रहना, अनुशासन में जो नहीं रह सकता है वो प्रेम को भी निभा नहीं सकता है। नियम के बिना प्रेम मर जाता है, इसलिए नियम का पालन करो तो प्रेम जिंदा रहेगा, और नियम का पालन नहीं कर पाओगे तो प्रेम टूट जाएगा। तो कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, दुख से बचने के लिए कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखः। जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, कब सोना है, कितना सोना है, किसके साथ सोना है, किसके पास सोना है और किस कमरे में सोना है और कब जाग जाना है, ये जिसको ज्ञान है वह व्यक्ति सुख पाता है। यदि गलत जगह आप रात में सो जाओगे तो सवेरे उठने के बाद तुम बदनाम भी हो जाओगे, तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा। इसलिए नियम बनाए जाते हैं कहां किसके साथ सोना चाहिए। लेकिन जो लोग गलत होते हैं वे नियम को तोड़ करके और ऐसी जगह सोते हैं जहां पर उनके नाम पर कलंक लगता है। सोने के स्थान का भी ठीक से चुनाव कीजिए, और ये भी याद रखना तादाद से ज्यादा सोने वाले लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं। अधिक सोने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, और बहुत कम सोने से पूरे शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो लोग बहुत कम सोते हैं, गहरी नींद नहीं सोते हैं, उनको शुगर की बीमारी होने की ज्यादा संभावना रहती है, हार्ट अटैक की बीमारी आने की संभावना रहती है। क्योंकि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर के सभी अंग, जब तुम गहरी नींद में सोते हो तभी ये सब अंगों को आराम मिलता है। इसलिए गहरी नींद सोना चाहिए, और ज्यादातर लोगों को नींद आती ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं भारत देश में जिनकी नींद जाती ही नहीं है,
और कुछ लोग ऐसे हैं उनको नींद आती ही नहीं। इस भारत देश में कुंभकर्णों की भी कमी नहीं है। 18-18 घंटे सोने के बाद भी ऊंघते रहते हैं। तुम उनको लाख समझाओ समझते नहीं। किसी घर में एक सास ससुर कह रहे थे कि मेरे घर में बेटे और बहू दोनों कंपटीशन पर सोते हैं, 7 बज जाते फिर भी नहीं उठते हैं। बोले जब मैं उनके दरवाजे के पास जाता हूं तो देखता हूं कि नाग और नागिन सोए हुए, उनको जगाने में डर लगता है कि जगाओ तो ये नाग नागिन डस लेंगे। अधिक सो करके भी तुम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो और रात दिन जाग करके भी तुम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। कम से कम 6 घंटे गहरी नींद का आनंद लीजिए और भाइयों बहनों बाकी घंटों में मेहनत करके काम कीजिए, तब आपकी जिंदगी का संतुलन बनेगा। आलस्योपहता विद्या, आलसी विद्यार्थी की विद्या नष्ट हो जाती है, आलसी किसान की खेती नष्ट हो जाती है, आलसी साधु की साधना स्वाध्याय सब नष्ट हो जाता है और आलसी नेता की राजनीति नष्ट हो जाती है। तुम जहां हो आलस्य वहां तुम्हारा पूरा नुकसान पहुंचाता है। 2 आलसी किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, जामुन का पेड़ था, एक जामुन पका हुआ एक आलसी के पेट के ऊपर सीने पर गिरा, तो जिसके सीने के ऊपर वो जामुन का फल गिरा उसने पड़ोस में लेटे हुए दूसरे आलसी से कहा कि मेरे मित्र कृपा करके आइए, ये फल उठाकर मेरे मुंह में डाल दीजिए, मैं इसे खाना चाहता हूं। तो दूसरा आलसी हंसा और उसने कहा अगर ये फल उठाकर तुम्हारे मुंह में डालने की हमारे पास में ताकत होती तो ये फल उठाकर मैं अपने मुंह में भी डाल सकता था। उसने नहीं डाला। तब तक एक कुत्ता आया, वो दूसरे आलसी के ऊपर पेशाब करने लगा, तो दूसरे आलसी ने पहले आलसी से कहा मेरे मित्र इस कुत्ते को तो कम से कम हटा दीजिए, इतनी मदद कीजिए, आप मेरे मित्र हो। उसने कहा कुत्ते को हटाने की अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो ये फल उठाकर हम मुख खा लेते। दोनों आलसी पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। तब तक पुलिस का सिपाही आता है, उनको देखता है लेटे हुए। पुलिस का सिपाही पहुंचता है, तुम लेटे क्यों हो? तो कुछ बोले नहीं, आलसी थे, आलसी बोलना भी नहीं चाहता। तो पुलिस के आदमी ने एक लात मारी एक आलसी को, तो उसने कहा कि मुझे लात मत मारो, मेरे से बड़ा आलसी वो है, उसको मारो। बोले वो क्या आलसी है? बोले मैं भी आलसी हूं लेकिन मेरे से बड़ा वो आलसी है, मेरे सीने के ऊपर जामुन का फल गिरा था, मैं उससे कहा उठाकर मुझे खिला दो, तो नहीं खिलाए, बहुत आलसी, उसको लात मारो। तो पुलिस का सिपाही गया, उसको 2 लात मारा, तो उसने कहा मुझे मत मारो, इसको 4 लात मारो, ये मेरे से भी बड़ा आलसी है। बोले ये क्या आलसी है? बोले मेरे ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा था, मैंने इससे कहा जरा कुत्ते को भगा दीजिए, हटा दीजिए, तो इसने हटाया नहीं, ये मेरे से ज़्यादा आलसी है। तो पुलिस वाले ने हंस करके कहा अरे दुष्टों तुम यहीं पड़े रहो, मैं किसी को लात भी नहीं मारूंगा क्योंकि मैं भी तेरे से कम आलसी नहीं हूं, मैं क्यों लात मारूंगा? लात मारने में भी तो मेहनत है। हर डिपार्टमेंट में आलसी भरा हुआ है, साधुओं में भी बहुत आलसी लोग हैं, आश्रम में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं कितने साधु। कितने साधुओं के आश्रम पर जाकर देखो तो भंगार पड़ी हुई है, काम करते ही नहीं। सवेरे उठते हैं स्नान कर लेते हैं, थोड़ा बाल बाल ठीक करते हैं, फिर तबला बजाते हैं और तबला में गाते हैं
कि कर जोड़, प्रार्थना कर जोड़ के, और हम सभी को छोड़ के न जाओ गुरुदेव, और हम सब आलसी हैं, हमारे लिए खीर बनाओ गुरुदेव। बहुत खतरनाक साधु भरा हुआ। मैं काशी बनारस में एक साधु के आश्रम पर गया। 50 लाख की बिल्डिंग थी और उसमें इतनी गंदगी, और उसके सामने इतना घास ऊंची ऊंची लगी 3-3 फीट की, उसमें सांप, और जहां पानी की टोटी वहां सब काई, फिसल कर गिर जाओ। सवेरे उठकर देखा मैंने तो हमारे 2-3 साधु फिसल फिसल कर धड़ाम धड़ाम गिरे, और वहां की गंदगी देखा। फिर राउंड लिया मैंने तो 10-12 साधु अपने बाल ठीक कर रहे थे और तबला धुन्नुक धुन्नुक बजा रहे थे और हारमोनियम बजाते थे, सारे गा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा धा नी गा रे मा पा सा। तो मैंने कहा रे मूर्खों, ये इतने बड़े बड़े सिर में जटा, काम लटा, कपड़ा फटा, आलसी डटा, साधु बन जाओ फिर भी मेहनत करो, आश्रम को चमकाओ। और जिस घर में बहू बनकर पतोहु बनकर जाओ, उस घर का कोना कोना साफ करके चमका दीजिए। और जिस घर में तुम पुत्र बनकर पैदा हो, उस घर की गरीबी और दरिद्रता का भी कूड़ा कचड़ा निकालकर बाहर कीजिए। इतना योग्य बनिए, उस घर को अमीर बनाइए और उसकी उन्नति करने का कदम उठा दीजिए। साफ सुथरे कपड़े भी पहनिए, अपने दांतों को भी साफ सुथरा रखिए। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती दुश्मन है। आलस्यो भाता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलब बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिकाएं। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, और याद रखना दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो भी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परिश्रम विकास की चाबी है। लेकिन यह भी याद रखना, तुम परिश्रम करो धन कमाओ, पर धन कमाना ही जीवन का परम लक्ष्य नहीं। जीवन का परम लक्ष्य धन कमा करके उसी धन के द्वारा पुण्य कमाना और धर्म कमाना और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना और समाज का सुधार करना और देश की भक्ति करना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। कितने लोगों को देखा जाता उनके पास में धन है, 10-10 हजार की इंग्लिश बियर एक बोतल शराब पीते हैं, 1,000 की कीमत की एक सिगरेट पीते हैं। धन है लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति के पास में जब धन पहुंचता है तो वो धन उसको रावण और कुंभकर्ण बना देता है, और संस्कारी पुरुष के पास में जब धन पहुंचता है तो धन उसे धन्य करके श्री कृष्ण भगवान बना देता है, महान बना देता है। रावण के पास में भी सोने की लंका थी, कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी, लेकिन कृष्ण का धन धर्म की रक्षा में खर्च होता है और रावण का धन अधर्म को फैलाने में खर्च होता है। धनवान होना ही सार्थक नहीं है, धनवान होने के साथ साथ गुणवान होना आवश्यक है। विजय मालिया के पास में इतना धन था कि उनके खुद के हवाई जहाज थे, एक दो नहीं दर्जनों हवाई जहाज,
लेकिन विजय मालिया के पास में भक्ति नहीं थी, सत्संग नहीं था, संस्कार नहीं था, धर्म नहीं था, इसलिए विजय मालिया अय्यास बन जाते हैं, इश्कबाज बन जाते हैं और विजय मालिया के हवाई जहाज बिक जाते हैं और इंडिया छोड़ करके बैंकों का पैसा लेकर भाग जाना पड़ता है। संस्कार, संस्कार विहीन मनुष्य जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और आप एक बात देखिए, पशु पक्षियों को समझाने के लिए कोई शास्त्र नहीं बने, कोई कथा भागवत प्रवचन पशुओं को समझाने के लिए कहीं नहीं हो रहा, लेकिन आदमी को समझाने के लिए जिस गांव में देखो वहीं भागवत हो रही है, जहां देखो वहीं रामायण की चौपाइयां चल रही, आदमी को समझाने के लिए प्रवचन भी हो रहे हैं। और मैं सोचता हूं अगर आदमी को इतना समझाया ना जाता तो आदमी न जाने कितना बिगड़ जाता। इतना ज्ञान देने के बाद आदमी इस स्थिति में है, अगर इतना ज्ञान न मिलता तो शायद आदमी जानवरों से भी और नीचे गिर जाता है। एक सज्जन ने गुजरात में मुझसे आकर के कहा, आप जहां प्रवचन देते हो 10-20 हजार लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और न तबला बजाते हो न हारमोनियम पेटी बजाते हो, केवल बोलते हो, 10-20 हजार आते हैं। ये 10-20 हजार लोग आते हैं, इनका समय कितना बर्बाद होता है, ये प्रवचन करने से क्या फायदा है। उसने मुझसे कहा कि ये 10 हजार लोग अगर 3 दिन आपका प्रवचन सुनते हैं तो 30 हजार लेबर का नुकसान हुआ। अगर एक लेबर का वेतन 300 है तो 30 हजार को 300 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 30 हजार को 300 से गुणा करो, हैं? 9 करोड़। फिर से जोड़ लो, 30 हजार को 300 से गुणा करनी, 3 × 9 और 2 जीरो आगे बढ़ा दो जाके, 30 हजार है ना। तुम भी सोचते क्या लफड़ा फालतू फंस जाता है, यहां मैथमेटिक हल करवा रहे गुरुदेव। तो उसने बताया ये करोड़ों का नुकसान होता है और फिर ये लोग सब कोई 200 रुपए पेट्रोल, कोई 500 का पेट्रोल फूंक कर आते हैं, तो ये तो आपके कारण 200 करोड़ का घाटा बैठता है। तो मैंने उससे कहा कि याद रखना, ये जो इनके 3 दिन में खर्च करता हूं सत्संग में बुला करके, तो 365 में से 3 दिन निकाल दो तो 362 दिन बचते हैं। ये 3 दिन में इनको ऐसा संस्कार मिल जाता है, ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि बचे हुए 362 दिन का ये सदुपयोग करते हैं, इसलिए इनका फायदा होता है। अगर 3 दिन ये सत्संग में न खर्च करें तो इनके 365 दिन बर्बादी में चले जाएंगे, इसलिए 3 दिन का खर्च होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार ठीक है, जिसके कर्म अच्छे हैं और जिसका शयन और जागरण अच्छा है, उसके दुखों को दूर करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपना आहार विहार सुधारिए, शयन और जागरण सुधारिए। ये तुम्हारे शरीर के खिड़की दरवाजे नहीं बनेंगे, ये शरीर से तखत बाजवट नहीं बनेंगे, ये शरीर एक दिन मरेगा और चिता में लाश दफन होगी। इसलिए याद रखना, चिता के ऊपर पहुंचने से पहले चिंता का त्याग कीजिए। ये आपकी अस्थियां चिता में जले उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था पैदा कर लीजिए। ये अस्थियां आग में जलने से पहले आस्था का जन्म हो जाना चाहिए और चिता पर पहुंचने से पहले चिंता का अंत हो जाना चाहिए, अन्यथा याद रखना ये जिंदगी आपकी सारी दुख में ही बीत जाएगी। चिंता छोड़ो, सुख से जियो,
और चिता पर पहुंचने से पहले अपनी बुराइयों को जला करके राख कर दीजिए, तो चिता पर लाश जलने के बाद आपको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा और बहुत सुख पाओगे अगले जन्म में। अपनी बुराइयों को भस्म कीजिए। मनुष्य एक है लेकिन इसके अंदर अवगुण अनेक है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? और सूरदास ने तो यहां तक बात कही है कि हे प्रभु मेरे अवगुणों को तुम देखो ही मत, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। मेरे अवगुणों को देखोगे तो तुम मुझे भक्त भी नहीं बनाओगे, मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं। लेकिन याद रखना, एक गंगा नदी है, उसमें गंदा नाला आकर शामिल होता है तो गंदे नाला का जल भी गंगा जल ही बन जाता है। मैं गंदा आदमी हूँ पर आपकी भक्ति में शामिल हो जाऊँ तो मैं भी आप जैसा महान हो जाऊँगा, निर्मल हो जाऊँगा।